नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज तारीख है 20 सितंबर। तो क्या कुछ घटा कल क्रिकेट के मैदान में और आज कौन से होने वाले हैं प्रमुख मैच, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली खबर है इंडिया वीएस ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड से, जिसमें मात्र 3 मैचों के लिए 2 अलग अलग टीमें चुनने पर हंगामा मच गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें रन मशीन विराट को पहले 2 वनडे मैचों में आराम देने पर बवाल मच गया है। बता दें, इस पूरे साल विराट को लगभग सभी सीरीजों में रेस्ट दिया गया और इसी कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 मैचों में विराट को रेस्ट देने पर विराट आर्मी भड़क गई है। साथ ही आज की दूसरी खबर है इंग्लैंड आयरलैंड मैच से। जी हाँ दोस्तों, आज से इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत होगी। आज भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे से हेडिंगल क्रिकेट ग्राउंड में होगा मैच। वहीं दोस्तों, कल से एशियन गेम्स वुमेन्स T20 की शुरुआत हो गई है, जिसके पहले मैच में इंडोनेशिया ने मंगोलिया को 172 रनों से हरा दिया है। वहीं दूसरे मैच में मलेशिया ने हांगकांग को 22 रनों से मात दी। वहीं क्रिकेट फैंस के लिए एक और बड़ी खबर वर्ल्ड कप से है, जहां सभी मैचों में 70 या उससे अधिक मीटर की बाउंड्री रखी जाएगी। ये फैसला BCCI ने लिया है, इससे ICC को कोई आपत्ति नहीं। हमारी अगली खबर है कि अगले शेड्यूल से, जी हां दोस्तों, एशिया कप के बाद भारत का अगला मुकाबला 22 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा। ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से मोहाली में शुरू होगा। स्टूडेंट को 100 रुपए में मिलेंगे टिकट। साथ ही बात की जाए पूरे शेड्यूल की, तो ऑस्ट्रेलिया आज भारत आ जाएगी और 3 वनडे मैचों की श्रृंखला भारत से खेलेगी। हालांकि शुरुआती 2 वनडे मैचों में रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को आराम दिया गया है। चलो बात करते हैं पहले 2 वनडे मैचों के लिए क्या होगी भारतीय स्क्वाड। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है केएल राहुल। जी हां दोस्तों, केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है पहले 2 वनडे मैचों के लिए। सुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, आर अश्विन और वाशिंगटन सुंदर। यदि बात की जाए पहले वनडे के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो सुमन गिल, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर या आर अश्विन, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर। तो ये रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ODI के लिए भारत की प्लेइंग 11। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया के पूरे शेड्यूल पर नजर डालें तो 3 वनडे मैचों की श्रृंखला होगी, जिसका पहला मैच 22 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे से मोहाली में होगा। वहीं दूसरा मैच 24 सितंबर को सेम टाइम इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं तीसरा व सीरीज का अंतिम मैच 27 सितंबर को 1:30 बजे से राजकोट में खेला जाएगा। वहीं भारतीय खिलाड़ी संजू सैमसन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड में शामिल ना किए जाने पर भी हंगामा मच गया है। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन के काफी बहुत सारे फैंस नाराज हो गए हैं, क्योंकि संजू सैमसन का वनडे का जो प्रदर्शन था वो काफी शानदार जा रहा था, इसके बावजूद भी उन्हें टीम में नहीं चुना गया। तो दोस्तों, ये तो रही आज की क्रिकेट की 10 बड़ी खबरें। इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।